हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और एनएन स्पोर्ट्स पे आज बात होगी टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन और चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की। और हम आपको ये बताएंगे कि फ्रेंडशिप डे के मौके पर किस खिलाड़ी ने धोनी का शुक्रिया अदा किया और कौन खिलाड़ी ये मानता है कि धोनी की वजह से ही वो मुकाम हासिल कर पाया जिसकी चाहत उसे बचपन से थी। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएं, लेकिन आपने अगर अभी तक एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस वक्त दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में से एक है। जडेजा न केवल अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं बल्कि उनकी बल्लेबाजी में भी बेहद सुधार आया है। इस वजह से वो भारतीय टीम के एक भरोसेमंद लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बन गए हैं। जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी में आए बदलाव का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। उन्होंने बताया है कि धोनी ने 2015 में उन्हें एक सलाह दी थी जिसके बाद उनके खेल में काफी बदलाव आया। जडेजा ने कहा कि 2015 में वर्ल्ड कप के दौरान धोनी ने उनसे कहा था कि वो उन गेंदों को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर उन्हें शॉट नहीं लगाना चाहिए, जिसके बाद उन्हें लगा कि उनका शॉट सिलेक्शन गलत हो रहा है। करियर की शुरुआत में उनका जजमेंट सही नहीं था। बल्लेबाजी के दौरान वो कंफ्यूज रहते थे कि उन्हें शॉट खेलना चाहिए या नहीं। जडेजा इस वक्त भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे पर हैं, जहां वो टेस्ट सीरीज खेलेंगे। इसके बाद वो आईपीएल में एक बार फिर से धोनी की टीम में नजर आएंगे। ये दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल में चेन्नई के लिए खेलते हैं। हाल के वक्त में जडेजा टीम में फिनिशर की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करके चेन्नई को आईपीएल का खिताब दिलाना चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जडेजा और धोनी की जोड़ी बेमिसाल रही है। साल 2019 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल मुकाबले में धोनी और जडेजा की बल्लेबाजी ही थी जो टीम इंडिया को लक्ष्य के काफी करीब तक ले गई थी। जब तक जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया की उम्मीदें कायम थी। जडेजा ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भी भेजा। इस दौरान ये देखा गया था कि महेंद्र सिंह धोनी उनको लगातार समझा रहे थे, जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में भारत की तरफ से हाईएस्ट स्कोर भी बनाया। हालांकि भारत इस मुकाबले को नहीं जीत पाया, लेकिन फैंस ने रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी की काफी तारीफ की। आईपीएल के फर्स्ट फेज में भी रविंद्र जडेजा की धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली थी, जब उन्होंने आरसीबी के खिलाफ हर्षल पटेल के एक ओवर में 5 छक्के जमा दिए थे। रविंद्र जडेजा भी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज बन गए हैं और महेंद्र सिंह धोनी के बाद ये माना जा रहा है कि जडेजा टीम इंडिया के लिए फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं। चाहे इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हो या फिर T20 वर्ल्ड कप, रविंद्र जडेजा भारत के बेहद ही शानदार खिलाड़ी हैं और एक ऑलराउंडर की हैसियत के तौर पर वो टीम इंडिया में शामिल भी हैं। T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड सीरीज में फैंस को उम्मीद रहेगी कि जडेजा बल्ले और गेंद से कमाल दिखाएं, साथ ही साथ फील्डिंग में भी ऐसा करिश्मा करें कि विरोधी टीमें पस्त हो जाएं। लेकिन जडेजा ने ये बात तो साबित कर दी है कि उनके खेल में जो भी निखार आया है वो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से आया है और वो महेंद्र सिंह धोनी को इसका शुक्रिया करना चाहते हैं। वैसे भी दोस्तों, टीम इंडिया में सब लोग इस बात को जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा के खेल में काफी सुधार करवाया और उनको समय समय पर टिप्स दिए, जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा इतने बड़े ऑलराउंडर बन पाए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।